बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसेज आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ जूस की एक रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स पड़े हुए हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं इन दोनों का अलग अलग जूस। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगी दो जूस की रेसिपी एक ही वक्त में। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूरी मैसेज वो ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम डालेंगे ब्लेंडर में ग्रेप्स और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून शुगर है और 3 पिंचेस इसमें ब्लैक सॉल्ट है। इसके साथ जाएगा 1.5 ग्लास वाटर। बस इसको हम अब करते हैं ब्लेंड। जी, तो जूस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स। जितना आपने ठंडा करना है उसके हिसाब से आप आइस क्यूब ऐड कर लें। और इसी के साथ अब ऐड करेंगे हम जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आया है, ज़बरदस्त। एक जूस रेडी हो चुका है ग्रीन ग्रेप्स का, और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक ग्रेप जूस। जी, तो अब बारी है ब्लैक ग्रेप जूस बनाने की। तो मैं ऐड कर देती हूँ ब्लेंडर में ग्रेप्स। ये 2 टेबलस्पून शुगर है और 1.5 पिंच, बल्कि 1-2 पिंच है ब्लैक सॉल्ट। अच्छा, ग्रीन ग्रेप जूस मैंने ज़्यादा बनाया था, इसलिए इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी पानी की भी और शुगर की भी। तो अब इसमें जाएगा सिर्फ 1 ग्लास वाटर। अब कर लेते हैं हम इसको ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारा ब्लैक ग्रेप जूस भी रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें आइस क्यूब। में भी ऐड कर दी दोबारा आइस क्यूब। अब जाएगा जी इसमें जूस। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है इसका, ओरिजिनल कलर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देते हैं ये मिंट लीफ थोड़ा सा,